हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शहदाज हेल्थ अफेयर। दोस्तों, आप जो ये केक देख रहे हैं, ये हमने घर में ही तैयार किया है। ये बनाया है मैंने लेमन केक, और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है झटपट से। और सबसे अच्छी बात, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेमन केक आप किसी भी ओकेशन पे बना सकते हैं, और इस पे आइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप फ्रूट केक खाते हैं, इसी तरह से ये लेमन केक तैयार होता है। तो लेमन केक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, और ये हमें कैसे बनाना है, और क्या सावधानियाँ रखनी हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में वीडियो के बीच बीच में बताती रहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले केक टिन ले लिया है मैंने। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप किसी मोटे तले का भगोना भी ले सकते हैं, जो भगोनी होती है उसे आप इसी तरह बहुत अच्छी तरह से आपको उस पर तेल लगाना है, यानी ऑयलिंग करनी है। बहुत अच्छी तरह से हर कोने में तेल लगा दें, और उसके बाद ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने डाला है मैदा। ये सूखी मैदा डाल के आपको इस तरह से रोटेट करना है, यानी कि जो हमने तेल लगाया था उसके ऊपर मैदा बहुत अच्छी तरह से चिपक जानी चाहिए। ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिना बटर पेपर के केक कैसे बहुत ही आसानी से निकल आएगा, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि केक टिन को आप पहले बहुत अच्छी तरह से तेल लगाएं, उसके बाद मैदे को डस्ट करें। जो एक्स्ट्रा मैदा है आप इस तरह से थपथपा के और बाहर निकाल दें। तो ये देखिए, केक टिन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम तैयार करेंगे अपना केक का बैटर। तो देखिए, यहाँ पर लिया है मैंने दही लिया है, बिल्कुल ताज़ा दही है, ना खट्टा है ना मीठा है, और ना ही ये फ्रिज में रखा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो आधा कप दही लिया है, और उसमें लिया मैंने आधा कप चीनी। चीनी मैंने पिसी हुई यूज़ की है, और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। ऑयल में किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल ना यूज़ करें, बाकी आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसे देखिए, मैंने मिक्सी में चला दिया है लगभग 30 सेकेंड, और हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। हमारा जो मिक्सचर था बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। तो अब सिर्फ हमें ऐड करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ लिया है मैंने, देखिए ये 1 कप मैदा है। अगर आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ। आप कोई भी एक समान आकार का कटोरी या कोई भी एक बर्तन ले लें, उससे ही आप सारी चीज़ें मेज़र करें। तो देखिए, यहाँ पे डाला मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली मैंने उसी बर्तन में छान दिया है, और जो भी इसमें इस तरह से आपको दिख रहा है, ये इस तरह से हम स्पून से इसको अच्छे से छान देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें अब मिक्स हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इसे स्ट्रेन करके डाला है। अब एक स्पैचुला लेंगे, और इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से हमें ये मिक्सचर इसमें फोल्ड करना है। ध्यान रखना है, हमें हाथों को बहुत तेज़ नहीं चलाना है। यहाँ मैंने वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड कर रखी है, फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है, इसलिए आपको लग रहा है, पर मैं मिक्सचर को बहुत ही हल्के हाथों से इसमें फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करते करते देखिए, आप बीच में मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, ताकि इसमें एरेशन ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है सारा बैटर, पर अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा थिकनेस है। तो इसमें अब हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे मिल्क, पर उससे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन। तो लेमन जेस्ट हम इसमें डालने वाले हैं, और लेमन जेस्ट कैसे बनाते हैं, देखिए एक नींबू ले लें, उसे अच्छे से धो लें, और उसके बाद एक ग्रेटर ले लें, और उसके बाद आप इस तरह से करेंगे उसको ग्रेट, बिल्कुल लगातार ना करें, जैसे एक जगह से किया, लेमन को हल्का सा घुमा दें, फिर उसको ग्रेट करें, फिर घुमा दें। तो जो वाइट वाला पार्ट होता है वो नहीं आना चाहिए बिल्कुल, अदरवाइज़ आपका केक कड़वा हो जाएगा। हमें सिर्फ लेमन का फ्लेवर चाहिए, तो वो हमें येलो पार्ट से ही निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि लेमन एक पूरा मैंने इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें ग्रेट कर दिया, और वाइट पार्ट आपको अभी भी लेमन में दिख रहा होगा। तो अब इस तरह से देखिए, जो लेमन है उसे मैंने ये देखिए थोड़ा सा बस बिल्कुल इस तरह से कट किया है, क्योंकि हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून लेमन जूस। जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है उस वो तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक हम उसमें कुछ खट्टा नहीं ऐड करेंगे। तो लोग विनेगर डालते हैं, विनेगर की जगह मैं यहाँ लेमन केक बना रही हूँ, तो मैंने लेमन जूस ही ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून लेमन जूस उसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे लेमन कलर देने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा फूड कलर, लगभग 1 पिंच लेमन येलो कलर लिया है मैंने, और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा दूध, और उस दूध में उस कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और देखिए, बहुत अच्छे से ये बैटर में मेरा कलर तैयार हो गया है, आ गया है। तो ये मैंने लिया है 1/4 का आधा दूध लिया था, 1/4 का आधा यानी 1/8 कप, और उसमें मैंने
एक पिंच ही कलर डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी भी ठीक हो गई और कलर भी बहुत अच्छा आ गया। तो इसे हम बहुत हल्के हाथों से इसी में फोल्ड कर देंगे। और अब आप देखिए, ये बैटर जो है इस तरह से, ये इसको बोलते हैं रिबन कंसिस्टेंसी, इस तरह से गिरना चाहिए आपका बैटर आराम से। तो बैटर हमारा तैयार है, तो आइए अब हम इसे अपने टिन में डाल लेते हैं। तो देखिए, टिन हमने पहले ही इसीलिए तैयार किया था, टिन आपको पहले से ही तैयार रखना है। और एक बार आप और इस तरह से कंसिस्टेंसी देख लें, अगर 1/4 यानी 1/8 कप में अगर आपका दूध से ये बैटर इस तरह की कंसिस्टेंसी में नहीं आता, तो आप दूध एक साथ ना डालें, एक एक टेबल स्पून करके और ऐड कर सकते हैं। तो बैटर डाल लिया है, इसे अब हम हल्के से टैप कर लेंगे। और टैप करने के बाद देखिए, ये हम विदाउट ओवन तैयार कर रहे हैं केक, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी केक तैयार होगा। तो उसके लिए मैंने ली है एक कढ़ाई, भारी तले की कोई भी कढ़ाई ले लें। और उसके बाद एक स्टैंड हो तो आप स्टैंड रख दें। अब स्टैंड है मेरे पास, बहुत से लोगों के पास नहीं होता, तो आपके पास इस तरह का जो भी कटोरदान का ढक्कन हो आप वो भी ले सकते हैं। ढक्कन ऐसा हो जो आपके स्टैंड से, जो टिन है उससे छोटा होना चाहिए, ताकि टिन उसके ऊपर आराम से रखा जा सके। जो टिन का बेस है वो उस ढक्कन पे टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने रख दिया है और ऊपर से उस पर लगा दिया है ढक्कन। अब हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद 20 मिनट इसे हम स्लो गैस पे पकाएंगे। ध्यान रखना है आपको, टोटल 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो पहले हम 25 मिनट ही पकाएंगे और उसके बाद केक को चेक करेंगे। तो देखिए, मैंने एक टूथपिक लिया है और ये देखिए, 25 मिनट में ही मेरा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। हो सकता है 25 मिनट में आपका 2 मिनट या 5 मिनट और ज़्यादा लगे, या 2 मिनट 5 मिनट कम लगे, लेकिन 25 मिनट से पहले आपको ढक्कन नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि जो हीटिंग है उससे केक थोड़ा सा और सेट हो जाए। ऐसा करने से जो केक के साइड्स हैं वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाते हैं। तो लाइक 2 से 4 मिनट उसमें छोड़ने के बाद इस तरह से मैंने इसको एक रैक पे निकाल के रख दिया। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया, लगभग आधा पौना घंटा लग जाता है, तो आधे घंटे से पहले केक निकालने की कोशिश ना करें, अदरवाइज़ आपका केक टूट सकता है। तो लगभग 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं ये केक आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे साइड्स निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है, आपने देखा होगा। अगर आपको लगता है तो आप चाकू की सहायता से हल्का सा निकाल सकते हैं। और टैप करके इस तरह से देखिए, मैंने निकाला है और अब आप देख सकते हैं केक कितनी आसानी से निकल आया है। और ये हुआ है सिर्फ उस मैदे और घी की कोटिंग की वजह से। अब देखिए, साइड में अगर आपको इस तरह से मैदा लगा हुआ दिख रहा है, तो वो आप स्क्रैप कर सकते हैं एक नाइफ़ की हेल्प से। और अब मैं आपको स्पॉन्ज दिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको स्पॉन्ज दबा के दिखा रही हूँ, ये वापस केक अपने आप बाउंस हो रहा है, वापस उसी शेप में आ जा रहा है। तो इसी से आपको पता चल रहा हो केक कितना सॉफ्ट बना है। और आप चाकू देखिए, मेरा ऐसे चल रहा है जैसे मक्खन पे चलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है, वो आपको टेक्सचर देख के ही पता चल रहा होगा। तो जो भी मैंने आपको ट्रिक्स दिए हैं, जो भी आपको टिप्स दिए हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखें और जब केक बनाएं तो उन चीज़ों को, उन स्टेप्स को आप फॉलो करें, आपका केक भी बिल्कुल इसी की तरह सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार होगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जिनके पास अवन है या माइक्रोवेव है, वो इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। उसके लिए आप माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे पहले प्रीहीट कर लें और उसके बाद आप इस केक को 25 मिनट टू 30 मिनट का आप टाइमर लगाकर बेक कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उनका रिप्लाई दे दूँगी। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो आप उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।